तो आ, जो रेप्टाइल्स हैं ये एम्फीबियन से इवॉल्व हुए ड्यूरिंग द जीरोसिक टाइम पीरियड और इस पीरियड में इनकी एवोल्यूशन के दौरान इनके बॉडी के अंदर ऐसी मॉडिफिकेशंस, एडाप्टेशनस बिल्ड हुई जिसकी वजह से दे बिकम कैपेबल टू सर्वाइव इन दी टेरेस्ट्रियल एंड ड्राई एनवायरनमेंट। अब वो मोडिफिकेशनस क्या थी जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इनकी स्किन किस तरह से नज़र आ रही है और आ, इनके जो माउथ पार्ट है वो किस तरह से डिवेल्प हुआ हुआ है सबसे पहले हम इनकी जो बॉडी में चेंजिंग्स आई वो है इसकी ड्राई स्किन ड्राई स्किन कैरेटिन की बनी हुई होती है इनकी एपिडर्मल लेयर जो है वो कैरेटिन की बनी होती है जिसकी वजह से आ, जो वाटर लॉस है अक्रॉस देयर बॉडी वो उसे प्रिवेंट कर सकते हैं यानी कि ड्राई एन्वायरमेंट में ये अपनी बॉडी के वाटर को कंजर्व रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इनमें थ्रू आउट दियर डिवेल्पमेंट दे हैव द लंग्स फॉर द रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन के लिए ये लंग्स को यूज करते हैं सेकेंड जो थर्ड अडाप्टशन इनके अंदर आई वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की है कॉपुलेटरी ऑर्गन इनमें डिवेल्प हुए जिसकी वजह से मेल कापुलेटरी ऑर्गन फीमेल्स को एक्सेस कर सकता था जिसकी वजह से इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुई और जो एंड पे एग्स डिवेल्प हुए वो भी एमिओटिक थे एग्स जो होते हैं वो डेसिकेशन से प्रिवेंट करते हैं एग्स को और उसके लिए एक प्रोटेक्शन का रीज़न बनते हैं अगर वो ड्राई या डेसिकेटेड इन्वामेंट में पड़े हों तो सो so, ये इनकी मेजर जो इसके अंदर एडेप्टशनस थी प्राइस के अंदर वो ये थी उनकी स्किन और कॉनीफाइड हुई स्किन कैरेटनाइज हुई बनी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई और इनमें जो एग्स एंड पे ले होते हैं वो भी एमनटिक एग्स होते हैं अब हम इनके कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स uh, हैं उसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्डर्स हैं इसके चार बेसिकली ऑर्डर्स हैं ऑर्डर टेस्ट्यूडाइनस एंड द टर्टल्स बिलोंग टू दी ऑर्डर टेस्ट्यूडाइन रिंकोसिफेलिया रिंकोसफेलिया में सिफेनोड्स आते हैं

कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और ये किस तरह से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अडॉप्टेड हैं फॉर आ फॉर देयर सर्वाइवल फॉर देयर लाइफ तो जो टेस्टुडाइन इट इज एन ऑर्डर एंड द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर इज टर्टल टॉयटॉयज इज आल्सो इंक्लूडेड इन टेस्टुडाइन्स द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड हेड नेक ट्रंक एंड इसके एंड पर टेल होती है हेड नेक ट्रंक रीजन एंड टेल दे हैव फोर बॉडी पार्ट्स बॉडी इज आल्सो एनकेस्ड इन ओवल शेप्ड शेल उस शेल के अंदर इनकी सारे जो बॉडी के विजिटल ऑर्गन्स होते हैं इस शेल के अंदर एनकेस्ड होते हैं शेल के ऊपर यहाँ पर जो शेल का आउटर आ, पार्ट है उसके ऊपर कॉर्निफाइड स्क्यूट्स की लेयर होती है जो इसको मज़ीद डेसिकेशन से ड्राई होने से वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है और प्रोटेक्शन का काम देती है यहाँ पर इसका जो शेल है जिस ओवल शेल की हमने बात की है इस शेल की जो ऊपर वाली पार्ट होता है जो कि ओवल शेप्ड है ये कॉन्वेक्स शेप होता है उसको हम उस पार्ट को हम कैरापेस बोलते हैं और जो उसका इंटरनल जो फ्लैटर वेंट्रल पोर्शन है उसको प्लेस्ट्रॉन बोलते हैं और इन दो शेल के अंदर से इसके जो लेग्स होते हैं लिम्स हैं फोर लिम्स एंड हाई लिम्स वो आर्टिकुलेटेड होती हैं और वहाँ से ये अपने ये इनकी जो नेक है वो भी रिट्रैक्ट हो सकती है इस शेल के अंदर निकल और निकल सकती है और जा सकती है जब इनको कोई थ्रेट होता है तो ये इस शेल के अंदर अपने आप को बंद कर लेते हैं इन आ, जो टर्टल्स हैं इनमें टीथ एबसेंट होते हैं लेकिन इनका जो माउथ पार्ट है वो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है और हार्ड होता है फीड्स इनके स्टम्पी फ़ीड्स हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दे हैव द स्टम्पी फीड्स स्टम्पी फीड्स एंड दे टोज एंड इन हॉर्नी क्लॉज दैट आर यूजफुल इन क्रॉलिंग एंड डिगिंग अब इस पिक्चर में अगर आप देखें तो इसके स्टम्पी फीड्स हैं स्टम्पी फीड्स होने की वजह से चूंकि ये सॉइल में यहाँ पे आ, ओशन के करीब में सॉयल में आ, इनका हैबिटेट है तो ये अपने आप को जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो इन फीड्स के थ्रू स्टम्पी फीड्स होते हैं तो इसके थ्रू क्रॉल करते हुए ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ओवी पैरस अब भी एगलिंग एनिमल्स हैं जो टर्टल्स हैं वो एट अ टाइम फाइव टू हंड्रेड एग्स ले कर सकते हैं और ये एग ले करते हैं इन द सॉइल और इन स्टम्पी फीड्स को यूज़ करते हैं फॉर एक्सकेवेटिंग दॉयल वो सॉइल को आ, अपने पैरों से डिग करते हैं और उसके अंदर एग ले करती हैं जब एग ले कर लेते हैं तो उसके बाद इनमें जो आ, जो सारा प्रोसेस है डेवलपमेंट का उसमें काफ़ी कुछ वीक्स लग जाते हैं या साल भी लग जाता है उसको डेवलप होने में एग से एक हेज आउट होने में फिर उसके बाद इनमें जो सेक्सुअल मेचोरिटी आती है वो काफ़ी लेट आती है जैसे कि फाइव सेवन टू एट ईयर्स की एज तक ये सेक्शुअली मेच्योर होते हैं लाइफ स्पेन इनका काफ़ी लॉन्ग है फोर्टीन uh, ईयर्स या इससे ज़्यादा का इनका लाइफ स्पैन होता है इनमें जो एक्सप्रीशन है वो दे आर यूरिकोटेलिक मतलब ये यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से एक्सट्रीट आउट करते हैं और इस तरह से ये अपने बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करते हैं बाई री एब्जॉर्बिंग द वॉटर इन देयर बॉडी अब बात करते हैं हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ की टर्टाइजिस की आ, त, आ, जो सी टर्टल्स हैं सॉरी जो सी टर्टल्स हैं वो वाटर में आ, किस तरह से क्योंकि उनके अंदर लंग्स हैं इन सब के अंदर तो वो काफ़ी घंटों तक एक दो घंटे तक वो वाटर के अंदर आ, जब आ, जाते हैं तो वाटर में वो विदाउट इनहेलिंग रह सकते हैं लेकिन दोबारा से इन्हेल करने के लिए ब्रीदिंग के लिए वो वाटर की सरफेस पर आते हैं एंड देन अगेन वो वाटर में डिप करके तो अपना जो उनका मोड ऑफ मीडियम ऑफ लिविंग है उसके अंदर आराम से रह सकते हैं स्क्वा मेटा स्क्वा मेटा में हाउस लिजर्ड्स, स्नैक्स और लिजर्ड लाइक एनिमल्स इंक्लूडेड हैं मेटा ऑर्डर इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री सब ऑर्डर लेकिन हम जस्ट हाउस लिजर्ड के बारे में आज डिस्कस करेंगे जैसे कि आपको यहाँ पर आ, पिक्चर में नज़र आ रहा है हाउस लिजर्ड की एक आ, पिक्चर है जो कि जिसे पता चल रहा है कि इसकी स्किन आइज़ बॉडी किस तरह से दिखने में नजर आती है सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हैबिट habit और हैबिटेट क्या है और इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से हैं लिजर्ड ये वो रेप्टाइल है जो कि एशिया अफ्रीका थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो कॉमनली पाई जाती है जब हम इसकी, आ, हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये कॉमन घरों में हमें मिलती है फाइलम इस जो इसका जीनस है वो हैमी डे, है हाउस लिजर्ड के इस आ, जो बिहेवियर है ये नाइट टाइम्स में डार्कनेस में एक्टिव होती हैं और नॉक्टर्नल हैं फीडिंग में स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह को फीड करती हैं उनके ऊपर इनका जो फीडिंग है वो इंसेक्ट्स के ऊपर होता है दे आर वेरी वेल अडेप्टड फॉर वॉकिंग इनके क्लॉज एडहेसिवस होते हैं जिसकी वजह से ये वॉल्स पर आराम से वॉक कर सकती हैं जो कि इनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी के ऊपर स्मॉल स्केल्स हैं और जो हाउस लिजर्ड की हम बात करें तो इसकी जो बॉडी की साइज़ है वो 25 सेंटीमीटर तक है ये इसका हेड रीजन है नेक ये सारे का सारा इसका ट्रंक रीजन में आता है और उसके बाद है इसमें टेल सो so, इसके फोर बॉडी पार्ट्स हैं हेड नेक ट्रंक एंड टेल हेड की शेप को अगर क्लियरली ऑब्जर्व करें तो ट्राइंगर शेप्ड होती है जिसके ऊपर आइज़ हैं पेयर ऑफ आइज हैं है, नॉस्ट्रल्स हैं एंड ईयर ओपनिंग्स हैं आइज के ऊपर लेकिन आईलेट से ये कवर नहीं होती मूवेबल आईलेट नहीं होता इसमें जो फोर लिम्स हैं एंड हाइंड लिम्स हैं दे आर वेरी वेल डिवेल्प जिसकी वजह से जो रेप्टिलियंस का एक जनरल करेक्टरिस्टिक है टैट्रप होने की वजह से ये अपने आराम से क्रॉल या क्रीप करके एक जगह से दूसरी जगह वॉक कर सकते हैं अब स्क्वायर मेटा के अंदर एक एग्जाम्पल आती है एक आती है एग्जाम्पल स्नेक्स की तो स्नेक्स में जो उसकी स्केल है वो एक्डाइसिस के प्रोसेस की वजह से उतर जाती है जब ये मैटामोफोसिस हो रही होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी जो बाहर की लेयर है वो डेड होना शुरू हो जाती है और अंदर एक नई लेयर बनती है जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको बना कर दिखाऊँ कि जैसे ये किसी भी ऐसे स्क्वेयर मेटा से बिलोंग करने वाले एक एनिमल की स्किन है बाहर की स्किन वो तो कॉर्निफाइड हो जाती है जो कि डेड होती है इसने डिवाइड नहीं होना फर्दर अब जो स्नैक्स हैं बाकी लिजर्ट्स में नहीं लेकिन स्नेक्स में इसका जो इंटरनल बॉडी का जो सेल्स है इंटरनल बॉडी है वो एक न्यू सेल्स बनाना शुरू कर देती है और जब ये न्यू सेल प्रॉपर्ली बनकर कंप्लीट हो जाते हैं तो ये अपना ऊपर का आउटर जो शेल है या स्केल है शेल नहीं बोलेंगे स्केल जो आउटर स्केल है इसको ये ड्रॉप कर देती है और इस तरह से जो स्नेक्स हैं वो अपनी आउटर जो डेड स्किन है वो उसको उतार देते हैं और फिर नई स्किन एक दफ़ा फिर से बनती है उसको हम स्केल्स Uh, कहते हैं जो उसकी न्यू स्केल है वो एक दोबारा से बिल्ड होती है अब इस प्रोसेस की वजह से होता यह है कि क्योंकि जो न्यू स्किन है वो पहले बन जाती है इस वजह से ये ऑलरेडी किसी भी प्रॉब्लम से बच जाते हैं क्योंकि ऐसा नहीं होता इसमें कि ओल्डर स्किन पहले उतर जाए और बाद में न्यू स्किन बने नहीं पहले न्यू स्किन बनती है और उसके बाद उसकी जो ओल्डर स्किन है वो एक स्केल की फॉर्म में बॉडी के ऊपर से उतार देते हैं ये जो स्कोमेटा से बिलोंग करने वाले कुछ आ, एनिमल्स हैं तो इस तरह से इनके अंदर ये वो अडाप्टेशन हैं जिसकी वजह से जैसे आप लेज़र्स में मैंने आपको बताया कि क्रॉल तो करते हैं लेकिन इनके क्लॉज या इनकी जो आ, लिम्स हैं वो इस तरह से मॉडिफाइड हैं कि वो हाउसेस में वॉल्स पे Uh, आराम से मूव कर सकती हैं क्योंकि वो एक एडहेसिव एडहेसिव या प्रॉपरली उसको एक एक जो कैप्चरिंग मैकेनिज्म है उनके फीड्स का वो उनको मिल जाता है सो दैट्स वाई ये प्रॉपर्ली जो है अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं इनकी स्किन की वजह से इनकी फीडिंग uh, की वजह से और इनकी जो लिम्स की मोडिफिकेशन है क्लॉथ की मॉडिफिकेशन है उसकी वजह से अब हम देखते हैं ऑर्डर क्रोकोडिलिया ऑर्डर क्रोकोडिलिया में क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स इंक्लूडेड हैं जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि आ, क्रोकोडाइल कितने एक पावरफुल जॉ ओपनिंग के साथ आ, आ, आपको दिखने में नज़र आ रहा है बॉडी इसकी बड़ी हार्ड और ड्राई नज़र आ रही है कॉर्निफाइड सी नज़र आ रही है तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी हैबिट, हैबिट और इसकी कैटरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इट इज़ फाउंड इन साउथ एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंड सेंट्रल अमेरिका हैबिट और हैबिटेट में दे लिव इन रिवर एंड लेक्स बॉडी इज वी कैन सी इन दिक्चर के बॉडी के कितने बॉडी रीजन्स हैं सो द बॉडी इज इलोंगेटेड their size is about 4 to 6 meter head neck trunk and tail iske jaise lizard ke uh, four regions the aise hi crocodiles ke bhi yahi four body parts hain head neck trunk and tail a uh, uh jaise ki aap picture mein dekha ke iski jaws kitne powerful hain teeth hain जिसकी वजह से अब इनमें जो टीथ की जो टाइप है वो थिकोडोंट डेंटेशन इनमें exist करती है यानी कि जो इनके दांत हैं वो जॉ सॉकेट्स के अंदर बहुत पावरफुली एनकेस्ड uh, होते हैं कि जब कोई भी प्रे इनके ये एनगल्फ करते हैं तो फिर कोई चांस नहीं बचता है कि वो प्रे इनके मुंह से बाहर जा सके क्योंकि दे हैव द पावरफुल जॉ विद पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग एंड कैप्चर्ड टीथ ईयर ओपनिंग्स आर स्मॉल एंड प्रॉपरली नज़र नहीं आती क्योंकि ये उनका ईयर जो है इट इज़ कवर्ड बाय स्मॉल फ्लैप ऑफ स्किन टंग इनमें जो है वो प्रोड्यूसिबल नहीं होती है जैसे कि लिजर्ड्स में है जैसे कि स्नेक्स में है कि अपनी जो लिजर्स और स्नैक्स होते हैं वो अपनी टंग को मुंह से बाहर निकाल के अपना जो उस इंसेक्ट है स्मॉल इंसेक्ट्स को उसको जुबान से पकड़ लेती हैं और फिर दोबारा से ज़ुबान को मुंह में लेके जाके उसको एनगल्फ कर लेती हैं लेकिन क्रोकोडाइल्स में uh, प्रोड्यूसिबल टंग नहीं है बल्कि उनमें बड़े ही पावरफुल किस्म के दांत होते हैं जिनसे वो अपने एक बार प्रे को पकड़ लेते हैं तो वो इसको प्रॉपरली एनगल्फ करते हैं फिर उसके बाद है इसकी टेल टेल हैवी है और लॉन्ग है फोर लिम्स एंड हाई लिम्स इनके बहुत शॉर्ट होते हैं इसलिए स्लोली जो है वो मूव करते हैं हार्ट इनमें फोर चैम्पर्ड है क्रोकोडाइल्स में हार्ट फोर चैम्पर्ड प्रॉपर्ली होता है जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्रॉपर्ली सेपरेटेड होता है तो हमने देखा कि रेप्टाइल्स किस तरह से देपटेड फॉर दी टेरेस्ट्रियल लाइफ और अपने आप को एक डिफेंसिव मेकनिज़म के थ्रू इस सारे एनवायरनमेंट में अपने आप को एग से लेकर इनकी सारी जो डेवलपमेंट हुई है ग्रोथ होती है और फिर अडल्ट स्टेट पर जाती है किस तरह से ये अपने आप को इस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए अडाप्ट करते हैं लाइक like, इनके एग्स हैं तो वो शेल्ड एग्स हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और इसमें एम्टिक एग्स हैं तो वो होते हैं जो कि रेसिकेशन से बताते हैं फिर इनकी स्किन आती है कि स्किन इनकी कॉर्निफाइड है कैरेटिन की बनी होती है जो कि हीट लॉस वाटर लॉस से बॉडी को बचाती है तो इनके अंदर इस तरह से बॉडी की चेंजिंग्स आती हैं अगर हम इसको डिटेल में जाके इसके बारे में देखें कि हम किसी भी रिप्रजेंटेटिव मैंबर के बारे में आ, जैसे टर्टल्स है, टौ, 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 जैसे हैं टॉय टॉर्टॉयज हैं स्नैक्स हैं एलिगेटर्स हैं और जिस तरह अभी हमने लास्ट में देखा कि जो क्रोकोडाइल है कि किस तरह से वो पावरफुली इस डेंजरस होने के बावजूद इस इन्वायरमेंट पे डिफेंसिव मेकनिज़म के साथ और अडाप्टेशनस के साथ इवॉल्व हुए हैं